गाइस वेलकम टू माय चैनल इट्स विदी फॉर यू। और आज बना रहे हैं हम हॉरर वीडियो। और आज है ना हम लोगों को डर लग रहा था तो हम लोग आज शाम को ही बना रहे हैं क्योंकि हम हड़के आंख में आ रही थी। और ये घटना जो हुई है वो हमारे साथ रियल में हुई है। तो लेट्स स्टार्ट को। तो गाइस हम वन बाय वन करके आएंगे और हमारी जो रियल स्टोरी हुई है हमारे साथ वो हम बताएंगे। तो गाइस पहली टाइम मीडिया आई है और ये मन बार बार परेशान कर रहा है क्योंकि मैंने मेरी स्टोरी किसी को भी अभी तक सुनाई नहीं है और मुझे बार बार परेशान करना बंद कर ना तक कि मुझे को। और गाइस आप लोग है ना सुनोगे नहीं मेरी जो स्टोरी है ना उसमें ये लोग है ना एकदम फनी स्टोरी बना देते हैं मेरी हॉरर स्टोरी को। तो लेट्स स्टार्ट। मेरी जो पोस्ट बुक मेरी जो पुरानी स्कूल थी जिसमें मैं पहले पढ़ती थी भगा दिया। तो गाइस मन बहुत परेशान कर रहा था मुझे इस वजह से। मैं अब उसको भगा कर आ चुकी हूँ। वापस बताती हूँ क्या हुआ था। जब मैं फिफ्थ क्लास तक है ना अपने मन गेट आउट। तो गाइस जब तक मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ती थी मैं पढ़ती थी सोफिया हाई स्कूल। तो उस स्कूल में ना कुछ वियर्ड चीज़ें हुई थी जो मैं आज आपको बताऊंगी। मैं जब फिफ्थ क्लास में थी तो मेरे फाइनल एग्ज़ाम आने में सिर्फ 10 दिन ही बचे थे। तो उससे पहले है ना क्या हुआ कि एक दिन एक बार रिसेस पे हम लोग खाना खा रहे थे तो उसमें ना हम लोगों को पता चला कि है ना कोई बोल रहा था कि चाली चाली खेला जा रहा है चाली चाली खेला जा रहा है। हमने उसको है ना ज़्यादा अच्छे से समझाने की व्हाट इज़ चाली चाली। उस टाइम हमें इतना भी नहीं पता था व्हाट इज़ चाली चाली। ओके तो उसके बाद हमने क्या किया हम लोग जैसे ही क्लासरूम में गए हमारा सोचना ये हमारा ये मेरा क्लासरूम है और मतलब ये फिफ्थ बी है और ये फिफ्थ ए है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं था बीच में ज़्यादा जगह भी नहीं थी। तो हम लोग फिफ्थ बी में हम लोग जस्ट बैठे थे ऐसे ही हम लोगों के साथ हम लोग बैठे थे और हम लोगों की टीचर कोई भी नहीं आई थी उसमें। और क्लियरली जब मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी थी मेरे सामने से कुछ रेड एकदम लाइटली कुछ चला गया। हमें किसी को लगा कुछ गया है पर हमें कुछ पता नहीं चला। और फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोगों के सामने चालीस खेला जा रहा है क्या। तो अगर साउंड प्रॉब्लम आए तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। और उसके बाद पता है क्या हुआ कि हम लोग टीचर के पास गए फिफ्थ ए में मैम को पूछने कि मैम ये लोग रियल में चाली चाली खेल रहे हैं क्या। तो हम लोग जैसे जा रहे थे मतलब ये रास्ता मतलब ये फिफ्थ ए है और यहाँ पर फिफ्थ बी है तो ज़्यादा ज़्यादा मतलब यूँ नहीं थी दूर नहीं था। तो हम लोग जब जा रहे थे वे जस्ट सी कि जितने लोग जा रहे थे खूब सारे ढगले बन जा रहे थे वहाँ पर। और उस टाइम ये हुआ कि किसी ने कहा कि मेरा ज़ोर से कोई गला दबा रहा है मेरा कोई हाथ खींच रहा है। तो हम लोग वहाँ से भाग कर हमारी क्लास में आ गए। खूब लोग डर गए थे तो हमने हनुमान चालीसा गा रहे थे खूब लोग राम राम कुछ भी कर रहे थे। और उसके बाद मैं और मेरी एक फ्रेंड जो बहुत स्ट्रॉन्गर बनकर गई मैं आपको बताया एंड लिटरली हुआ यू भी था कि है ना फिफ्थ बी जो थी ना और फिफ्थ ए में हम लोगों की हेड गर्ल थी। तो एक्चुअली हुआ यू कि मैम को हमने बताई मैम बोले व्हाट इज़ चाली चाली क्योंकि मैम को ऑफकोर्स नहीं कैसे ही पता होगा। तो हम लोगों ने मैम को बोला मैम चाली चाली का ऐसा है कोई भूत है एक। तो हम लोगों ने क्या करा हम लोगों ने मैम को बोला मैम ने कहा एनीवन इज़ प्लेइंग। तो सब ने कहा नो 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 बडी इज़ प्लेइंग एट। तो उसके बाद हम लोग डर गए मैम को बताया और हेड गर्ल वो गेम खेल रही थी और रियल में वो चाली चाली का गेस कर रहा था। और ये जो मेरे साथ घटना हुई है ये रियल हुई है मेरे साथ और आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड। मैं इस बात पे मैं मानती तक नहीं थी भूतों को पर अब मेरे को लग रहा है रियल में भूत है। तो दोस्तों अब विधि की तो हो गई ये स्टोरी पर मुझे मेरी भी स्टोरी बतानी थी आपको। अभी मैं ना सेवन्थ में हूँ अभी मैं सेवन्थ में हूँ आई थिंक ये बात होगी फिफ्थ की बारिश के टाइम पे। दोस्तों बारिश के टाइम पे उसमें मैं उदयपुर में था। हाँ मैं उसमें उदयपुर में था मेरा हम ना रिसेस में बैठे हुए थे हमारी ना ऐसे बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी उस दिन। तो मेरा ना दोस्त बोलता है कि यार टॉप फ्लोर में ना एक वो भूत वाला कमरा है। अब एक्चुअली हमारे स्कूल में हमेशा कुछ स्कूल में होता है कुछ स्कूल में नहीं होता है कि एक ऐसा कमरा होता है कि वो हमेशा ही रहता है बंद
वो कभी खुलता नहीं है, ना ही आपको उसके अंदर पता है कि उस कमरे में क्या है। तो ऐसे ही मेरा था, तो मुझे नहीं पता था कि उस कमरे में क्या है, और मुझे ये तक नहीं पता था कि हमारे पास फिफ्थ फ्लोर भी है। मुझे ना बस थर्ड फोर्थ होगा ख़त्म। तो हम मेरे दोस्त को बोला कि यार क्या बोल रहा है, भूत भूत कुछ नहीं होता, भूत भूत। तो जैसे कि विधि का था कि उसको पहले नहीं पता था कि भूत क्या होता है, तो ऐसे ही मेरा था कि मुझे भूत नहीं पता था, व्हाट इज़ भूत, भूत क्या है। तो मैं ऐसे मैंने यूँ उसको मारा, वो एक्चुअली वो टेबल से फेल हो गया, वो गिर ही गया था टेबल से, वो टेबल पे बैठा हुआ था। उसने बोला था कि इतना मार रहा तो चल अब मेरे साथ, अब तो मैं तेरे को लेके जाऊँगा। वो जब लेके गया मुझे फोर्थ फ्लोर तक, मुझे ना ये फोर्थ फ्लोर तो है और तो भाई छा तो ऊपर। उसने बोला कहाँ फोर्थ फ्लोर, कहाँ पर टॉप फ्लोर, ये नहीं है टॉप फ्लोर, ऊपर एक और है। हम गए वो आई थिंक टॉप फ्लोर ना स्टोरेज के लिए होता हुआ था, होगा स्टोरेज के लिए। हम जब गए ऊपर शेयर से, मतलब मुझे ना कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, मतलब वैसे कि झुरझुरी उठ रही थी, मुझे गूस बम्स आ रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मतलब ये क्या, मुझे ये तक नहीं पता था कि डर क्या होता है, मैंने कभी देखा ही नहीं था कुछ ऐसा। एकदम से हम उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक सेकेंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने यूँ ऐसे किया, जैसे हम शोल्डर पे यूँ नहीं करते यूँ ऐसे, ए भाई रुकना, तो ऐसे मुझे कर बोला नहीं किसी ने, पर मुझे लगा यूँ ऐसे किया किसी ने मुझे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। अब मेरे तो उस वक्त ही मुझे डर लग गया। अब मैं स्टेयर से नीचे उतर रहा हूँ, उससे ऐसे डर गया, ठीक है भाई तू जीत गया होता है कुछ ऐसा। तो इसे एक दो एकदम से लाइट की स्पीड में कोई ऐसे जाके मुझे थापड़ मार के निकल लिया, ऐसे एक चापेट लगा के निकल लिया, ऐसे प्ली नहीं लगा देते ऐसे गली में चल रहे तो ऐसे यूँ मार के निकल लिया। तो गाइस ये थी मेरी स्टोरी, पर आई थिंक आप ये सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि कौन है ऐसा होता है। ओह शिट, कोई था क्या, अच्छा नहीं था, ओके। सो मुझे अब तक वो दिन याद है, वो कुछ शैडो टाइप थी, शैडो इट वॉज। सो गाइस इट्स फॉर द वीडियो, थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड दिस वॉज द रियल स्टोरी। और गाइस आप लोगों को जैसे पता चल ही गया होगा कि हम लोगों ने जैसी हॉरर स्टोरी सुनाई वैसी वो रियल स्टोरी थी, और बार बार मेरा भाई आके मुझे परेशान कर रहा था। ओके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।